أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفعين مات وقتل انقلبتم لا قابكم ومن ينقلب لا قبيه فلن يذر الله شيئا अभी आपके सामने आयत नंबर एक सौ चवालीस एक वन हंड्रेड फोर्टी फोर की तलावत की गई सूर आल इमरान से सिपारा लन आलू और नहीं है मोहम्मद अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल यकीनन गुजर चुके हैं इससे पहले भी बहुत से रसूल फिर क्या फिर अगर वो मर जाएंगे या कत्ल कर दिए जाएंगे तो क्या तुम पलट जाओगे उल्टे पाओ अपनी एड़ियों पर और फिर जो पलटेगा उल्टे पाओ तो हरगिज़ नहीं नुक़सान करेगा वो अल्लाह का ज़रा भी और जल देगा जजा अल्लाह अपने उन बंदों को जो शुक्रगुज़ार बंदे होंगे तो इस आयत में अल्लाह सुबहान ताली फरमा रहे हैं कि हजरकम्सल्लम एक रसूल हैं इससे पहले भी बहुत रसूल आए और हमें मालूम है कि वहाँ सल्लम आखिरी नबी हैं तो अल्लाह सुबहान तो फरमा रहे हैं कि अगर जब वो रसूल चले जाएंगे इस दुनिया से तो क्या तुम पलट जाओगे एड़ियों पे अपने, यानि पलट जाओगे दीन से तो अल्लाह को ज़रा भी इसकी नुकसान नहीं होगा और जल्दी अल्लाह देगा जजा उन बंदों पर जो शुक्रगुज़ार बंदे होंगे यानी जो कायम रहेंगे दीन पर आज हम करेंगे एक से एक सौ सैतालीस वन से वन अब हम

और नहीं है इक्तियार किसी नफ्स को कि मौत आए उसको मगर मर्जी से अल्लाह के लिखे हुए वक्त मुकर्रर पर यानि हर शख्स की मौत जो है मुकर्रर वक्त पर ही आनी है जो कि अल्लाह ने वक्त मुकर्रर करा किया है और जो कोई चाहता है सवाब यानि बदला अपने एमाल का दुनिया में तो दे देते हैं हम उसको यहीं दुनिया में और जो कोई चाहता है सवाब बदला अमाल का आखिरत में तो देंगे हम इसको इसमें आखिरत में जबकि जल्द जजा देंगे हम जो शुक्रगुज़ार बंदे हैं अल्लाह सुबहान्त हर दफ़ा हर आयत में ये बयान फरमा रहे हैं यहाँ पर कि हम जजा देंगे जो शिक्र बंदे हैं तो ऐ मुसलमानों, ऐ अमिनों शुक्र अदा करते रहो अल्लाह ताला की नेमतों का आयत नंबर वन وكأي من نبي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما سابهم في سبيل الله وما ضعوفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين और कितने ही नबी गुज़र चुके हैं कि जंग की उनके साथ मिलकर अल्लाह वालों ने बहुत से मौाक़ पर तो नहीं हारी हिम्मत नहीं सुस्त हुए वो वो इन मुसीबतों पर जो पहुँची उनको रास्ते में अल्लाह के और नहीं दिखाई उन्होंने कमज़ोरी दुश्मन के आगे और नहीं हुए वो बेबस यकीन अल्लाह रखता है महबूब सब्र करने वालों को शुक्र करने वालों को सब्र करने वालों को ये पूरी आयत किसी पर जोर है कि जो लोग साबिर और शाकिर रहें अल्लाह पर अल्लाह की इतात करते रहें बंदगी करते रहें तो अल्लाह उनको महबूब रखता है अल्लाह रखता है महबूब सब्र करने वालों को वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا बंसुर काफिरीन और नहीं था इनका ये कहना ऐसी आजमाइश में लेकिन ये दुआ ऐ हमारे रब माफ़ कर दे हमारे गुना और कोताहियाँ जो सरजद हुई हमसे हम अपने मामलात में और साबित कदम रख हमको और फरमा फता हमको कॉमिल काफरीन पर अहले कुफर पर तो इस तरह आज हमने एक सौ चवालीस से एक सौ तक की तिलावत की सूरह आल इमरान पारा लंतनालू पारा नंबर चार है पहला पारा अलिफिलाी दूसरा पारा सयाकुल तीसरा पारा दिलखर रसूल चौथा पारा लंतनालू तो पारों के नाम भी याद रखिए सूरतों के नाम भी याद रखिए इस सूरत सूरह आल इमरान में दो सौ वर्सेज़ हैं दो सौ आयात हैं पिछली सूरत जो हमने पढ़ी वो सबसे बड़ी सूरत थी सूरह बकरा उसमें 286 एटी सिक्स दो सौ छियासी आयात थी और पहली सूरत जो है सूर फ़ातहा जिसमें सात आयात हैं जिसको हम हर रोज़ नमाज में पढ़ते हैं तो सात आयात फिर 286 एटी सिक्स आयात फिर टू हंड्रेड आयात अले इमरान की टू हंड्रेड आयात हैं आज हम वन फोर्टी सेवन तक पहुँचे हैं सदी